पहले तो वेलकम टू ग्लिट्स स्पेशल बोले थे। थैंक यू मैंने कांग्रेचुलेशन कि आपने कुछ अलग एक बड़ा चैलेंज लिया है अपने ये मेरा बहुत बड़ा चैलेंज है तो जनरली बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि मैं माइथो से बहुत डरता था, हमेशा से बहुत डरता था। तो जब ये मुझे ऑफ़र आया तो उन्होंने मुझे कैरेक्टर जब ब्रीफ़ किया कि एक रियल स्टोरी पे बेस्ड है ये शो और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा एक दुश्मन है जो तक्षत है, जो मेरा कैरेक्टर है वो गरुड़ का, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल नेगेटिव और माइथो और बिल्कुल डिफरेंट अवतार, बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर, तो एज ए एक्टर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी होती हैं चीज़ें करनी क्योंकि मैंने आज तक जो भी कैरेक्टर चुने हैं वो बहुत डिफरेंट एक दूसरे से हैं और हमेशा अप्रिशिएट हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी सबको बहुत पसंद आएगा क्योंकि काफ़ी शेड्स हैं इसमें, काफ़ी यू नो एक होता है ना कि राजनीति करने वाला है वो पूरे शो में, मतलब वो पॉलिटिक्स यही करेगा, मतलब ऐसा दिखाएंगे इसको। यस मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि कभी कभी मैंने किया नहीं है, कभी कॉस्ट्यूम्स ऐसे नहीं पहने और डायलॉग्स, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है कि आप जब यूज टू नहीं होते तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट होता है आपके लिए, जैसे स्टार्टिंग में मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट था मुकुट पहनना और इतनी चीज़ें कॉस्ट्यूम पहन के डायलॉग बोलना, तो कहीं ना कहीं आपको ध्यान सारी जगह अपने कॉस्ट्यूम पे होता है, आप डायलॉग बोल नहीं पाते। तो यस टच वुड हमारी टीम बहुत अच्छी है, डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं जो बहुत प्यार से उन्होंने हर चीज़ टैकल की है और कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से उन्होंने चीज़ें निकलवाई भी हैं, तो यस तो अब जाके मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे अब मैं इंजॉय कर रहा हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है। पारुल के साथ मेरा हम लोग फर्स्ट हम आज हो गए हमारा 13 ईयर, 13 साल के बाद हम वापस से एक साथ काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मैं बहुत एक्साइटेड था, पारुल भी बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि विदाई के बाद आज जाके हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यू नो आपको बहुत अच्छा महसूस होता है कि आपके इतना पुराने दोस्तों के साथ आप काम कर रहे हो और वो भी तब के जब हम लोग एकदम न्यू कमर्स थे, एकदम फ्रेशर थे दोनों, तो और आज भी हम लोग वही मस्ती करते हैं जो विदाई में करते थे, आज भी हमारा पूरा बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, जैसे कि पारुल और मैं बहुत यंग थे उस टाइम और पारुल की भी शादी हो गई अब तो, लेकिन ऐसा लग ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है कि हम विदाई में ही काम कर रहे हैं। टच वुड हमारी पूरी टीम बहुत ही अच्छी है, जैसे कि अंकित है, तोरल है, पारुल है, तो फैजल है, तो बहुत चिल्ड आउट सीन है हमारा, बहुत मस्ती करते हैं हम लोग सेट पे, तो कहीं ना कहीं जब आपकी सेट पे पॉजिटिविटी होती है और लोग सब अच्छे होते हैं तो चीज़ निकल के अच्छी आती ही आती है, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को बहुत पसंद आने वाली है ये एपिसोड जो आएंगे, आई एम वेरी श्योर। बहुत ही मुझे फैजल बहुत अच्छा लगा गरु के किरदार में, मुझे ऐसा लगता है कि वो इनोसेंस, वो सादगी जो है यू नो जो कनेक्ट कर पाएगी लोगों को, और जैसे कि उसको सब परेशान करने वाले ही हैं, एक ही है जिसको सब परेशान करने वाला है, तो कहीं ना कहीं वो एक वो होता है ना कि आपकी प्योरिटी जो है वो उसमें दिखती है। डेफिनेटली सारा बहुत एक्साइटेड है कि उसको ये पता है कि पारुल और मैं साथ में शूट कर रहे हैं, तो वो ये बोल रही थी अरे मैं क्यों नहीं आई, मुझे भी करना था, तो यस जैसे पारुल और मैं अभी बात कर रहे थे सारा के पीछे कि अरे वो होती तो और भी कितना मज़ा आता, यू नो तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत, हमारा बॉन्ड एक ही है आज भी, 15 साल से हम लोग सब साथ में दोस्त हैं और एक भी दिन ऐसा नहीं होता कि हम लोग बात ना करें, तो यस सारा जैसे कि अभी सारा लॉकअप में है और अब मैं बहुत खुश हूँ और मुझे आई एम वेरी श्योर कि जीत के वो आएगी और बहुत अच्छा करेगी, अगर नहीं भी जीती तो बहुत अच्छा करने वाली है, आई एम वेरी श्योर, तो यस यही है। मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ गरुड़ देखिए और आप आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगा, और मेरा कैरेक्टर जिस तरह से आपने अभी तक मेरे सारे कैरेक्टर्स को अप्रिशिएट किया है इसको भी आप कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू।